स्वागत है दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। तो आज का टॉपिक है आई वेस टू पेयर अ हुडी। तो अगर आपके पास भी कोई एक हुडी है जिसके साथ आप कोई चीज पेयर करना चाहते हैं, तो वही टॉपिक लेके आज मैं आया हूँ। आपको समझ में नहीं आता है कि हुडी किसके साथ पेयर करना है। हुडी के साथ एक बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है अगर आप उसे परफेक्टली पेयर कर सको। ये बहुत ही ट्रेंडिंग पर भी है आजकल की सबके पास एक हुडी होता तो बस वो हुडी पहन के चले जाते हैं। तो वही सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं आज। तो मैं आज आपको पांच ऐसे वेज बताऊंगा जिसके साथ आप हुडी पेयर कर सकते हो। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट वन इज डेनिम शर्ट। आप हुडी को ना डेनिम शर्ट के साथ पेयर कर सकते हो, बट उस वो ना जो हुडी है वो ग्रे कलर का हो तो बहुत अच्छा है, या ब्लैक कलर का। बट जो हुडी लेयरिंग कर रहे हो उसकी ना मीडियम साइज होनी चाहिए, ना कि ओवर साइज। उससे क्या होता है आपका ना एक अपीयरेंस बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो जिसके भी साथ आप लेयरिंग कर रहे हो हुडी, तो वो ना मीडियम साइज का हो तो बहुत अच्छा लगता है। नंबर टू, लेदर जैकेट। यस, ये बहुत ही अच्छा वे है एक स्टाइलिश लुक देने का अपने आप को। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो दोस्तों के साथ, तो ये पेयर आप पहन सकते हो। ये बहुत ट्रेंडिंग पर है आजकल यंग लोगों में। नंबर थ्री, जॉगर्स। यस, ये आपको एक स्टाइलिश स्मार्ट एंड एक कैजुअल लुक देता है अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो। बस आपके हुडी ना ब्लैक और ग्रे कलर के हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा पेयर करते समय जॉगर विथ नीचर। नंबर फोर, ओवरकोट। ओवरकोट मतलब ऐसे देखो, आपने बहुत सारे बाहर के देशों में देखा होगा ओवरकोट लेयरिंग करते हैं हुडीज के बाहर, जो बहुत ही स्टाइलिश लगता है। तो मेरे ख्याल से आपको भी ये नया जो ट्रेंड है वो फॉलो करना चाहिए। जो आप ओवरकोट पहनते हो वो ना बहुत ही एक मैच्योर टाइप का लुक देता है। आप उसके साथ आप जीन्स, चिनोज एंड ट्राउजर्स को पहन सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। नंबर फिफ्थ, बॉम्बर जॉकेट। जस्ट आपने अगर सुने मुझे कि इस टाइप का बॉम्बर जॉकेट देखता है, आपको रिग्रेट नहीं होगा पेयरिंग द हुडी विद बॉम्बर जैकेट। आपको बहुत ही एक स्टाइलिश लुक देता है। इसके सेम आप जीनोस एंड ट्राउजर्स के साथ ये पहन सकते हैं विद वाइट स्नीकर एंड बूट्स, इसके साथ आप पेयर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिए। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू लाइफस्टाइल एंड फैशन, तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।